जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोएडा जॉब्स इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि ओप्पो मोबाइल कंपनी भर्ती निकाली है, जो कि ग्रेटर नोएडा में भर्ती होंगी दोस्तों, जो कि 14 सितंबर 2020 को ये भर्ती कराई जाएंगे। और ये जो भर्ती निकाली गई है ओप्पो मोबाइल कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये भर्ती निकाली गई है। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा जो कि रिज्यूम से रिलेटिव है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिज्यूम से रिलेटेड कुछ बात बताने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको करना क्या है कि जब आप अपना रिज्यूम बना कर ले जाए तो दोस्तों आप अपना रिज्यूम को अपडेट करा लें। अपडेट का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने जो रिज्यूम है उसमें आप लोगों को वही क्वालिफिकेशन लिखनी है जो आपके पास है, और आपको वही एक्सपीरियंस लिखना है जो कि आप किसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप रिपेयरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रिपेयरिंग का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको रिज्यूम में रिपेयरिंग का ही एक्सपीरियंस लिखाना होगा। अगर आपके पास रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, अदरवाइज और किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास रिपेयरिंग का ही एक्सपीरियंस है तो आप अपने रिज्यूम में लिखा सकते हैं। लिखने के बाद आप अपने रिज्यूम को एक प्रोफेशनल बना सकते हैं, जिससे कि जब आपका इंटरव्यू कराया जाएगा तो जो इंटरव्यू लेने वालों को पता हो कि आप किस फील्ड से नॉलेज रखते हैं। ऐसा करने से आपका इंटरव्यू जल्दी कराया जाएगा। दोस्तों आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस चीज़ की नॉलेज है आप लोगों को वही नॉलेज दिखानी होगी अपने। बात करने वाले हैं किस किस डिपार्टमेंट से भर्ती निकाली गई है। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों हम इसमें डिपार्टमेंट में फर्स्ट, जो कि रिपेयरिंग के लिए है। दोस्तों मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया है कि आप अपने रिज्यूम में वही एक्सपीरियंस दिखाएं जिस चीज़ का आपको नॉलेज है वही दिखाना है आपको। मान लीजिए आपको रिपेयरिंग में नॉलेज है तो आप रिपेयरिंग लिखी लिखेंगे उसमें, अदरवाइज़ आपको जिस मान लीजिए आप डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिपेयरिंग के लिए, तो आपको रिपेयरिंग की ही नॉलेज होनी चाहिए, अन्यथा आपको अगर अदर फील्ड की नॉलेज है तो आप उसमें नहीं लगा सकते। इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादातर बच्चों का जो मतलब जो इंटरव्यू होता है वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन लोगों के पास क्वालिफिकेशन का मतलब कि जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और होता है, और मतलब जो मांगा गया है वो कुछ और है। यानी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि रिपेयरिंग का आपके पास मतलब आप रिपेयरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिपेयरिंग का ही उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम इसमें दोस्तों बात करने वाले, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट में रिपेयरिंग के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए मान्य है ये। तो दोस्तों अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा, 1 साल से लेकर 3 साल तक का आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें नॉलेज क्या होनी चाहिए। नॉलेज आपको L1, L2, L4 की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सिटी सैलरी दोस्तों बात करने, इसमें 16,000 से लेकर 18,000 रुपये आपको सिटी सैलरी इसमें आप लोगों को दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट नंबर सेकंड, जो कि प्रोडक्शन या SMT सुपरवाइजर के दूसरी भर्ती निकाली गई है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों आप लोगों को एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लगभग 2.5 साल का। और नॉलेज जो मांगी गई है वो रिलेवेंट फील्ड की मांगी गई है, यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपकी उसी की ही नॉलेज होनी चाहिए। मैंने हर बार आप लोगों को बताया कि आप जिस क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन आप कर गया है उसकी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, और या जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम इसमें बात करने वाले सिटी सैलरी, तो सिटी सैलरी इसमें आप लोगों को दी जाएगी 22,000 से लेकर 24,000 रुपये तक के। दोस्तों इसमें सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक वाले ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले डिपार्टमेंट नंबर थर्ड, जो कि SMTPE या टेस्टिंग के लिए भर्ती होनी है। दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है डिप्लोमा बीटेक वाले इसमें ही अप्लाई कर पाएंगे, ITI वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिसमें एक्सपीरियंस की दोस्तों हम बात कर लें, तो एक्सपीरियंस आप लोगों से 1 साल से लेकर 3 साल तक का आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी नहीं है दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब नॉलेज की बात कर लें दोस्तों, नॉलेज की आपको PCB टेस्टिंग की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। RF टेस्टिंग की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, और प्रोसेस इंजीनियर की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें बात करने वाले सिटी सैलरी आप लोगों को कितनी दी जाएगी। सिटी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी 20,000 से लेकर 22,000 रुपये आप लोगों को इसमें सिटी सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम डिपार्टमेंट नंबर फोर्थ की बात करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों से, तो डिपार्टमेंट नंबर फोर में आप लोगों को दिख रहा है कि SMT माउंटिंग या मेंटेनेंस के लिए दोस्तों ये भर्ती कराई जा रही है, जिसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या मांगी है इसमें हम बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों से जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिप्लोमा बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आप लोगों से 1 साल से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। और जो नॉलेज की बात कही है वो NST 3rd SPI पास्ट प्रिंट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और सिटी सैलरी आप लोगों को इसमें दी जाएगी वो है 20,000 से लेकर 22,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट नंबर फाइव, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए दोस्तों ये भर्ती होनी है। इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों से डिप्लोमा या बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस की दोस्तों अगर हम इसमें बात कर लें तो 1 साल से लेकर 3 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज की बात करें तो IE की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों जब इंटरव्यू कराया जाता है तो आप लोगों से ये जानकारी पूछी जाती है कि आप किस फील्ड से नॉलेज रखते हैं, तो आप लोगों को इस इंटरव्यू जो आपका रिज्यूम होगा उसमें आपको लिखना होगा कि आप किस फील्ड की नॉलेज रखते हैं या आपने किस फील्ड से एक्सपीरियंस लिया है। अगर आप दोस्तों
वो नहीं लिखेंगे तो आपका रिज्यूम जो है ज़्यादातर बच्चों का इंटरव्यू नहीं हो पाता, क्योंकि इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो अपनी उसमें नॉलेज नहीं लिखते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अपनी रिज्यूम में नॉलेज को लिखना है, ठीक है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों इसमें हम सीटी सैलरी की बात कर लें एक बार, तो आप लोगों को जो सीटी सैलरी दी जाएगी वो 18,000 से लेकर 20,000 रुपये आप लोगों को इसमें सीटी सैलरी दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट नंबर 6 जो कि ईपी के लिए दोस्तों भर्ती होनी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें बीटेक वाले ही अप्लाई कर पाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से होंगे। और इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें सीटी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी 18,000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है दोस्तों। 18,000 से आपको 20,000 रुपये आपको सैलरी पड़ जाएगी इसमें लगभग। और अब हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट नंबर 7 जो कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, एसटी के लिए भर्ती होनी है, जिसमें बीटेक मैकेनिकल से आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक आपके पास कोई भी मतलब आपके पास 1 साल से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें सीटी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी 18,000 से लेकर 20,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इसमें ओवर टाइम और अटेंडेंस अवार्ड क्या होगा। तो इसमें ओवर टाइम आप लोगों को डबल दिया जाएगा, अटेंडेंस अवार्ड आप लोगों को 2,000 रुपये दिया जाएगा इसमें, और बस की सुविधा आप लोगों को फ्री दी जाएगी, और कैंटीन की सुविधा आप लोगों को इसमें फ्री दी जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नाइट अलाउंस की, नाइट अलाउंस इसमें कितना दिया जाएगा। नाइट अलाउंस आप लोगों को 50 रुपये पर नाइट के हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को बैंक अकाउंट लाना अनिवार्य होगा, आपको बैंक अकाउंट लेके आना होगा। और बैंक अकाउंट में दोस्तों आपको पासबुक है अगर आपके पास, तो आप अपनी पासबुक लेके आ सकते हैं, और अगर आपके पास पासबुक नहीं है चेकबुक है तो आप चेकबुक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि आप लोगों को दे रखा है कि जो भर्तियाँ होती हैं उपो में, तो इन भर्तियों के लिए आपको कोई भी एक पैसा नहीं लगता है, तो आप किसी को भी व्यक्ति को एक भी पैसा ना दें, और किसी फर्जी डॉक्यूमेंट ना लेके आएँ, अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जिसमें दे रखा है दोस्तों कि आप कोई भी पैसा ना दें भर्ती के नाम पर, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले दोस्तों तीसरे नंबर पर, जो कि इसमें दे रखा है इंटरव्यू के लिए आपको मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा, और कोविड-19 को लेकर गवर्नमेंट के जितने भी दिशा निर्देश हैं उनका आपको भलीभांति पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा, और सैनिटाइज़र और मास्क लगाकर आपको मतलब ये सारे काम करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें बात करने वाले इंटरव्यू डेट की, जो कि इंटरव्यू डेट आपको इसमें दिख रहा है, इंटरव्यू डेट दोस्तों आपको दिख रहा है 14 सितंबर 2020, यानी कि कल को आपको इंटरव्यू कराया जाएगा दोस्तों, इसका बात का ध्यान रखें। और जो इंटरव्यू दोस्तों जो आपका होगा वो आपको इंटरव्यू दोस्तों 8:30 होगा, यानी 8:30 पर आपको इंटरव्यू कराया जाएगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं कितने बजे, 8:30 पर आपको इंटरव्यू कराया जाएगा। अब एड्रेस की दोस्तों हम बात कर लें, एड्रेस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, एड्रेस ये देख सकते हैं आप, एड्रेस जिसमें आप लोगों को एड्रेस दिख रहा है SH02 और प्लॉट नंबर 194/C ब्लॉक सी सेक्टर 71 नोएडा, यानी कि आप लोगों को इस एड्रेस पर जाना होगा, आपको इंटरव्यू यहीं पे कराया जाएगा। दूसरी जो भर्ती कराई जाती हैं ये लॉयंस वर्क फॉर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराई जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या कोई भी व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि हम आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकें। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं नोएडा में निकलने वाली सभी प्रकार की जॉब की भर्तियों की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।